नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। 17 मई की सुबह बालाघाट शहर के बजरंग घाट रोड पर जंगल के अंदर नाले में एक युवक की अर्धनग्न लाश मिली है। मृतक की पहचान अंकित मेश्राम के रूप में हुई थी, जो सब्जी बेचने काम करता था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव पीएम के लिए भेजा था। पीएम में खुलासा हुआ है कि युवक की हत्या गला घोट कर की गई है। पुलिस यह जांच और पूछताछ में सामने आया कि मृतक की पत्नी के हेमंत साठे नामक युवक से अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी मृतक अंकित को हो गई थी। उसे रास्ते से हटाने आरोपी हेमंत ने एक षड्यंत्र रचा और मृतक की पत्नी और अन्य साथी साचित हुसैन को इसमें शामिल किया। 16 मई की रात आरोपी ने शराब पीने पिलाने के बहाने से मृतक को बजरंग घाट रोड पर जंगल में बुलाया और उसकी गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा किया है। मामला ये है कि 17 तारीख को हमको सूचना मिली थी, बजरंग घाट में एक बॉडी पड़ी है। हमने उसकी तस्दीक की और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि इसमें भूमेश साठे और एक महिला है बबीता मेश्राम, लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया और इसमें इसका साथ दिया साजिद हुसैन, इसका साथ दिया। इसमें 3 आरोपी हैं। किस कारण से हत्या हुई? इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी है ये बबीता मिश्रा, इसके साथ इसके अवैध संबंध थे। इसी अवैध संबंधों को चल के ये घटना हुई। कब से थे अवैध संबंध? इसके लगभग 3-4 साल से अवैध संबंध थे।